स्कॉट भाई का कॉल आया था। कैसे टीएस ज्वाइन किया? मेरी बहुत लंबी कहानी है। बता दे, शॉर्ट, इन शॉर्ट। टीएस का कोच था अयोगी, अयोगी का दोस्त है एजेंट, और एजेंट मेरा दोस्त था। अयोगी ने फिर एजेंट को बताया कि प्लेयर चाहिए, तो एजेंट ने मेरे से बात करे, तो फिर उसके बाद ट्रायआउट के लिए बुलाए। उसके बाद बोले कि दो मैच से मेरा भाई, 2 मैच से 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना ट्रायआउट चला, उसके बाद फिक्स हो गया अपन। इन शॉर्ट ये है। मैं तो क्या नाम है, जब सेल्स छोड़ा था तब इसका तो मेरे को भी एक नहीं पता था। 2 हफ्ते तक मैं वेट करता कि शायद कोई टीम मिल जाए, बट नहीं मिल रही। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ देते हैं, अब तो रहने देते हैं। तो मैं आराम से नॉर्मली स्क्रिम्स खेल रहा था दोस्तों के साथ, एंड फिर मेरे को रेज का कॉल आता है कि भाई मैं टीम बना रहा हूँ। मैं कहा भाई यार कोई टीम न्यू बनाएगा बंदा तो मैं क्यों ज्वाइन करूँ? तो फिर मैं कहा भाई मैं नहीं आऊँगा। तो फिर वो बोलता कि पहले सुन तो ले टीम में कौन कौन है। बोला डार्क लॉर्ड है। फिर उस टाइम पे डार्क लॉर्ड से मेरी नहीं बनती थी बिल्कुल भी। तो मैं बोला भाई यार अब नहीं आऊँगा। फिर कहता स्काउट। मैं कहा क्या कौन? कह रहा वो तो बोला हाँ, मैं कहा आऊँगा 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 मैं आऊँगा। तब तो फिर जब स्काउट भाई को कॉल बैठ करा भाई फटके चार मेरे का स्काउट भाई आ गए। तब तो बात कर रहे, मैं कहा भाई अब तो रहना है, अब तो किसी भी हालत परफॉर्म करके देना है। फिर वहाँ पर स्काउट ने ट्राई आउट लिया, वहाँ पर खेला था मैं अच्छे से एकदम तगड़ा। ऐसा था तेरा क्या था? मास्टर सीरीज के बाद मेरे को स्काउट भाई का कॉल आया था कि लाइनअप बना रहा हूँ वापस स्क्रैच से। हाँ ओल्ड आई एंड डी वापस बनानी है मेरे को, डेडिकेटेड बंदे चाहिए। तो बंदे बंदे चाहिए मतलब तू इंटरेस्टेड है क्या ऐसा? और उसी टाइम पे मेरा एनटीटी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था, और मैं अभी सोच रहा था कि कुछ और ऑप्शंस करूँ करके। उनका कॉल आया, मैं तुरंत ही बोला कि शुरू करते हैं, और पहला ही नाम था उसमें सैयद। सैयद से शुरू किया, उसके बाद ह्यूमन भी आया, उसके बाद शुरू करे ESPL गए थे, लेकिन फिर गेम बैन हो गया। उसके बाद अभी न्यू स्टेट में है इधर।